रूस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और करीब 70 से 80 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आशंका है कि और भी संख्या बढ़ सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है, लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कौन से हैं ये सवाल? कुल चार सवाल आपको बताती हूं जो सबसे बड़े सवाल इसमें माने जा रहे हैं। पहला ये कि जिस तरह से आईसिस जो है वो बयान देता है किसी हमले के बाद, माना यह जा रहा है कि वो अभी जो बयान आया है इस हमले के बाद वो उससे मिलता जुलता नहीं है, एक जैसा नहीं है। जिन शब्दों में दावा किया गया और जिस तरह का टेम्पलेट बनाकर वो दावा किया गया एक सोशल मीडिया चैनल पर, तो वो पहले का है, पहले का टेम्पलेट है और अभी जो आमतौर पर आईसिस इस्तेमाल करता है, जानकार कहते हैं, वो मेल नहीं खाता। तो क्या ये जो दावा है, ये जो जिम्मेदारी लेने की बात उन्होंने कही है, क्या ये झूठ है? ये सबसे एक बड़ा सवाल है। तो ये सवाल लगातार उठ रहा है। दूसरा सवाल ये कि आईसिस के जो हमले होते हैं वो आमतौर पर सुसाइड अटैक्स होते हैं। अगर बम धमाका हुआ तो वो सुसाइड बॉम्बर लेकर आते हैं, अगर गोलीबारी हुई तो उसमें भी वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कई बार जो रास्ता नहीं रहता है तो उसमें वो आखिरी दम तक वो गोलीबारी करते हैं और मारे जाते हैं। ऐसे में जब यहां पर ये दावा किया जा रहा है कि ये सभी बच निकले, तो ये जो नॉर्मल उनका प्रोसीजर है, जो आमतौर पर वो करते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर सवाल ये भी है कि जब सुरक्षा बलों ने हर तरफ से इस इमारत को, कॉन्सर्ट हॉल को जब घेर रखा था और इमारत में आग लगी हुई थी, भयावह आग लगी हुई थी, तो आखिर वो निकलने में कामयाब कैसे हो सकते हैं? अगर ये होता है, अगर ये झूठ है कि वो निकल गए, इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वो जो हमलावर है वो निकल नहीं पाए, तो फिर ये बयान भी झूठा है। तो ये इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि कई बार आईसिस जो है वो किसी और के किए हमले की भी जिम्मेदारी ले लेता है ताकि उसका खौफ बढ़े। तो ये जब तक जांच नहीं हो जाती है कि आखिर किस तरह से हमला किया गया, उसका कोई सुराग नहीं जब तक मिल जाता, जो बाकी जो जांच वहां पर चल रहा है, फोरेंसिक जांच जो चल रही है, उससे जब तक तस्दीक नहीं हो जाती, तब तक ये मानना मुश्किल है और इसलिए ये सवाल उठ रहा है। चौथा सवाल ये कि इस वक्त में आखिर किस कारण से आईसिस जो है वो रूस पर हमला करेगा। हालांकि हमले पहले भी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो रूस में करते रहे, लेकिन आईसिस इस वक्त क्यों हमला करेगा, इसलिए भी सवाल उठ रहा है। जो स्टडी करते हैं इस मामले को, उनका मानना है, जो जानकार है उनका मानना है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि रूस ने आईसिस को मिटाने में सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं असाद, उनकी मदद की थी, तो शायद एक ये वजह हो सकती है। कुछ का ये भी मानना है कि रूस ने कार्रवाई चेचनिया में की थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में की थी, तो उसका वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि अभी ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि ये वजह हो सकती है, क्योंकि अब हालात बिल्कुल अलग हैं। और कुछ का ये भी मानना है कि क्योंकि अफगानिस्तान में एक वक्त में रूस ने कार्रवाई की थी, तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन फौरी तौर पर आखिर किस तरह से आईसिस ने क्यों, किस मोटिव के तहत हमला किया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि उसे पूरी जानकारी है, वो तस्दीक ये कर रहा है कि आईसिस ने ही ये हमला किया है। अब ये जो बात है वो दोधारी तलवार है, सवाल तो है ही, ये बात भी दोधारी तलवार है, क्योंकि अगर जानकारी सही है तो रूस के खुफिया तंत्र के लिए ये एक बड़ी नाकामयाबी है और ये एक बड़ा झटका होगा और खुद पुतिन के लिए ये एक कहीं ना कहीं एम्बैरस करने वाली बात होगी कि उनके खुफिया तंत्र से ये बड़ी चूक हुई, वो भी ऐसे वक्त में जबकि युद्ध चल रहा है और वो पूरा देश जो है वो अलर्ट पर है। कोई और गुट अगर है तो उससे निपटने की भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक तरफ एक फ्रंट पर युद्ध चल रहा है, दूसरे फ्रंट पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो ये एक रिसोर्स डाइवर्ट करने वाली बात होगी, तो वो भी एक समस्या होगी। और अगर इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाली जाती है तो युद्ध का स्वरूप और भी भयावह होगा और भी फैलेगा, तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है। अब देखना होगा कि क्या इन सवालों के जवाब मिलते हैं और इन जवाबों के बाद रूस आगे की क्या कार्रवाई करता है। दिल्ली से कादंबिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।